नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम पहुंचे हैं केवीके रोहतास यानी कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास में, और यहाँ पे लेजर लैंड लेवलर जो मशीन होता है उसके हम आज बताएंगे कि ये काम कैसे करता है। आपने वीडियो देखा होगा कि ये कैसे काम करता है, जो इससे जुड़े कंपनी के विशेषज्ञ हर कोई अपने अनुसार बताता है, लेकिन आज हम इसके जो वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, हम उनसे जानेंगे और कितना ये कारगर साबित हो रहा है, सब कुछ आज इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ हम इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत सिंह जी, जो कि केवीके रोहतास में हैं और मृदा विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हैं। आगे सर, क्या है सर लेजर लैंड लेवलर जो मशीन है, हम लोग उसके बारे में सुनते हैं समझते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बखूबी क्या है, किस चीज़ों में क्या किसान हर बार इसका उपयोग कर सकता है या एक बार करे कब करे? नमस्कार किसान भाइयों, आज देखिए हम लोग स्थिति ये है कि किसान भाई हमारे खाद देते हैं और पानी देते हैं और उनका उत्पादन जो है भरपूर मात्रा में पर्याप्त नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो उनका भूमि है वो समतल नहीं है, और समतल नहीं रहने के कारण कहीं पानी लग जाता है, पानी लगने से जो भी पोषक तत्व हैं नीचे की तरफ लीच कर जाते हैं, इसलिए वहाँ की फसल जो है कमज़ोर हो जाती है। अगर उसको कितना भी प्रयास करते हैं किसान, चाहे पानी का प्रबंधन करना हो या पोषक तत्वों का प्रबंधन करना हो, उसमें असफल हो जाते हैं। इसलिए हमारा ये विशेष तौर पर निवेदन है कि पहले जब हम लोग पाटा मारते थे और खेत को समतल करते थे, उसके लिए एक नई तकनीक आ गई है जिसका नाम है लेजर लैंड लेवलर मशीन। ये जो है इस मशीन का काम है कि लेजर के माध्यम से और अपने जो भी एक जिस हाइट पर हम सेट करते हैं उस हाइट पर सेट कर दे और मशीन को चलाते रहेंगे तो उसी हाइट को पूरे प्लाट को मेंटेन कर देगा और इस प्लाट को इतना स्तर तक मेंटेन करेगा कि कहीं पर भी आपको ऊंचा और खाला नज़र नहीं आएगा। इसमें कुछ तकनीक है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस फील्ड में ट्रैक्टर से लेजर लैंड लेवलर को हम लोग चला रहे हैं जी सर। और जो फसल हमारी अरहर लगी हुई थी, अरहर कटने के बाद अब हम लोग मूंग लगाने जा रहे हैं। इससे पहले खेत की जुताई करके इस मशीन से हम लोग लेबलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि जो भी हम मूंग लगाएंगे, खाद देंगे, वो मेंटेन रहेगा। ये मशीन कैसे काम करती है इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको। ये जो है लेजर के माध्यम से सेट किया गया है, ये बिल्कुल जिस हाइट पर, जिस ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर हम लोग सेट किए हुए हैं, इस ग्राउंड लेवल को फॉलो करता है। और इसके साथ भी हम लोग देख रहे होंगे कि इस मशीन में भी आप देख रहे होंगे कि इस मशीन में भी एक लेजर इक्विपमेंट लगा हुआ है। ये पूरा इक्विपमेंट लगा हुआ है। इस इक्विपमेंट के माध्यम से जहाँ जिस लेवल पर हम उसको मेंटेन कर रहे हैं उस लेवल पर बिल्कुल ये पूरे प्लॉट को मेंटेन करते हुए चलेगा। आप जो नीचे देख रहे हैं जितनी हाइट रहेगी और जिस हाइट पर हम सेट किए रहेंगे, अगर उससे अधिक की मिट्टी है तो वहाँ से वो काट लेगी और जहाँ पर गड्ढा है, जहाँ पर पानी लगता है, वहाँ पर ले जाकर अपने आप मशीन छोड़ देगी। इसमें हमारा कोई विशेष रोल नहीं होता है, ये सारा काम ये ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। ये पूरी तरह से जिसको हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। और जिस हाइट पर, क्योंकि हम एक्चुअल में हम लोग करते क्या हैं कि जिस प्लाट का लेवल करना होता है उस प्लाट के बगल वाले प्लाट में हम मशीन को सेट कर देते हैं। जो आप देख रहे थे वो मशीन, उसको हम सेट करते हैं और एक मशीन हमारा उसका ट्रैक्टर में लगा होता है और वहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है। उस कंट्रोल यूनिट के माध्यम से इसकी क्या भूमिका, यही से हम लोग कंट्रोल करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कंट्रोल और हरे और लाल रंग की बत्तियां जल रही हैं, इसका मतलब ये सिग्नल दे रहा है कि दोनों आपस में लिंक्ड है, और लिंक्ड होने के बाद इसको ऑटोमेटिकली कर दिया गया है और ये ऑटोमेटिकली उस हाइट को जिस हाइट पर हम इसको छोड़े हुए हैं उस हाइट पर इसको मेंटेन करते रहता है। यानी कि मास्टर कंट्रोल हमारा यहीं से, जिसके माध्यम से हम मशीन को ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली सेटअप करते हैं। अगर हम आवश्यकता पड़े तो इसको मैनुअल भी कर सकते हैं और आदमी के माध्यम से भी हम इस अपने आप ड्राइवर के माध्यम से भी इस मशीन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसमें लेबलिंग की थोड़ा समस्या आती है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक सेट कर दिया जाता है और इसके माध्यम से पूरे खेत को, पूरे प्लॉट को, जितना एरिया हम कवर करते हैं उस रेंज में जितना हो सबको वहाँ पर कवर कर लेता है। तो सर एक सवाल ये और भी था इससे जुड़ा हुआ, लेजर लैंड लेवलिंग मशीन को आपने देखा और समझने का प्रयास किया। आखिरी सवाल सर हमारा ये है
कि क्या हर फसल के बाद जो रबी सीजन की फसलें कट गई, अब कुछ दिनों के लिए जैसे गर्मा फसल लगाना हुआ चाहे कुछ भी, तो इसको लेवलिंग करना जरूरी होता है? साल में कितने बार किया जा सकता है या कितने सालों पर एक बार इसको करना, जमीनों का लेवल करना जरूरी होता है कुछ? देखिए ये किसानों के लिए थोड़ा खर्चीला है और लगभग 2,500 रुपये प्रति एकड़ के माध्यम से इसमें लागत लगती है, तो और इसकी एक बार ही जरूरत पड़ती है। अगर एक बार आप साल में करा लेते हैं तो अमूमन आप ठीक से खेत का प्रबंधन करते हैं तो 3 से 4 साल तक आपको लेवलिंग कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि जैसे ही आपकी रबी की फसल कट गई, खेत में नमी है, तो एक जुताई कर लें और जुताई करने के बाद अच्छी तरह से उसको लेबल, इस लेजर लैंड लेवलर के माध्यम से लेबल कर दें, तो आपको फिर से खरीफ में और रबी में और जायद में कभी भी आप कराने की ज़रूरत नहीं है लगभग 3 साल तक। तो ये एक बहुत ज़रूरी सूचना, आपने सवाल पूछा कि इसको साल में कितने बार कराएं, तो हमारा सलाह है कि आप 3 साल में एक बार करा लें। लेकिन उसके बाद क्या है कि जब अभी आप कराएं तो मशीनों का जो प्रयोग खेत में करते हैं तो सही तरीके से करें, यानी कि ज़्यादा गीला खेत में आप हार्वेस्टर रोटावेटर ये सब मशीन को आप न डालें, नहीं तो ट्रैक्टर के चक्के से ऊपर और नीचे हो जाता है जो कि एक समस्या पैदा होती है और लेबलिंग हमारे फिर से डिस्टर्ब हो जाती है। सर दूसरी सवाल आखिरी सवालों में से है कि इससे फसल उत्पादन और सिंचाई में कितना फायदा हो जाता है एक किसान को? आप किसान भाई अनुभव किए होंगे या देख रहे होंगे कि जहाँ पर पानी लग गया वहाँ की फसल पूरी तरह से मारी जाती है, यानी आप देखते हैं कि उसमें 20 से 30% से अधिक यील्ड नहीं आती है। लेकिन जहाँ पर लेबलिंग करा दी और पर्याप्त प्रचुर मात्रा में हर जगह पर सामान्य लेवल का पानी रहता है, तो उस स्थिति में अगर किसान खाद भी देते हैं तो पर्याप्त मात्रा में हर फसल को, हर पोषक तत्वों को मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जहाँ पर पानी लग गया सारे आसपास के क्षेत्रों से जो भी पोषक तत्व हैं बह करके वहाँ चले जाते हैं और नीचे पानी के साथ लीच कर जाते हैं, यानी कि जो फसल का रूट जोन है उससे बाहर चले जाते हैं, जिससे पौधे को उसकी लाभ नहीं मिल पाता है। लाभ नहीं मिलने की वजह से पौधे या तो पीला होते हैं या सूख जाते हैं या मर जाते हैं। तो अगर जिस दिन आप लेबलिंग करा लिए ये मानकर चलना है कि हमारा 30% उत्पादन बढ़ जाना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 30% तक उत्पादन आपका बढ़ जाएगा, साल में नहीं 3 साल में एक बार कराइए, खर्चा आपका 2,500 या 3,000 मान लीजिए महंगाई बढ़ी तो 3,000 रुपये तक आपका खर्चा आएगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका प्रति क्रॉप जो है 30% की वृद्धि होती है तो ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि जितना 3 साल में आपका खर्च आया है उसका 3 गुना 4 गुना आपको लाभ भी हुआ है। तो आप भी अगर अपने खेतों में जल निकासी हो तो नॉर्मली स्वाभाविक देखा जाता है कि ऊपर नीचे तमाम चीज़ों की समस्याएं आती हैं, ज़मीनों का ऊंचा नीचा होता है तो लोग कहते हैं कि पानी खाल में चला गया, ऊंचा पे चढ़ ही नहीं पाया तो अच्छे से फसल नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को आप चाहते हैं कि पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए तो आप भी इस मशीन का उपयोग करिए और इसका फ़ायदा लीजिए। साथ ही साथ खेती बाड़ी और अन्य बड़ी खबरों के लिए किसानी के लिए किसान तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।